ये है हरियाणा के जिला सिरसा का गांव बचेर। कुछ समय पहले तक इस गांव में बहुत गंदगी थी क्योंकि अधिकतर लोग शौच के लिए बाहर ही जाया करते थे। एक दिन डीआरडीए सिरसा द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम यहां पहुंची और उसने खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। खुले में शौच जा रहे हैं, वो आपको पता है कि कैसे बीमारियां लगती हैं। जब हम खुले में शौच जा रहे हैं, उस पे मक्खी बैठती है। लोगों ने स्वच्छता की महत्ता को समझा और इस अभियान से जुड़ने लगे। कुछ लोग स्वच्छता समिति में शामिल होकर निगरानी में जुट गए तो कुछ लोगों ने गांव की सफाई का जिम्मा उठा लिया। बच्चों और महिलाओं ने स्वच्छता रैली निकालकर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की। गांव वासियों की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते गांव की काया पलट होने लगी। लोगों ने शौचालयों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और आज ये गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। जब आप लोगों को मना करते थे कि बाहर नहीं जाना है, तो क्या मान जाते थे कि हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे? नहीं, हम उनको हाथ पांव जोड़ के उनको मना लेते थे और मान जाते थे। मान जाते थे? हाँ जी, मान जाते थे। अब आपको अपना गाँव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस चीज को लागू रखेंगे दोबारा लगातार? हाँ जी, लगातार जी, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इसको स्वच्छ बनाएंगे। पुरुषों का और बच्चों का, महिलाओं का, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। हम महिलाएं इकट्ठी होके, जो भी महिला जाती थी खुले में शौच, उनको हमने रोका। जो जिसकी ज़्यादा मजबूरी थी, उनको हम कहा अगर आप खुले में जाओगे तो उसके ऊपर मिट्टी जरूर डाल के आओगे, और महिलाएं मान गई। अब वो नहीं जाती, अब बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं जाते? नहीं, अब कोई बाहर नहीं जाता है। हमारा गाँव पूरी तरह से शौच मुक्त हो गया खुले से। अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि पहले तो सुबह जाना पड़ता था या अंधेरे की इंतजार करनी पड़ती थी, अब आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय अपने घर में जा सकते हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब अच्छा लग रहा है हमको, हमारा गांव पूरी तरह से साफ हो गया, अब हमको अच्छा लग रहा है। अब खुश है आप? हाँ जी, अब हम खुश है। किस तरह से निगरानी की सुबह सुबह उठ के? हमने जो बाहर शौच के लिए जाते हैं उन्हें शौच जाने से मना किया। यदि आप बाहर शौच जाते भी हो तो आप उसे मिट्टी वगैरह से ढक कर आए। अब आपको अपना गांव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग स्वच्छ वातावरण से इतने खुश हैं कि खुद को नाचने गाने से रोक नहीं पा रहे। नाच भी रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आज हमारा गांव एकदम बहुत ज़्यादा शौच मुक्त है और एकदम गांव में सफाई है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है और खुशी में हमारा सारा गांव आज नाच रहा है और डांस कर रहा है। पहले आपका गांव कैसा हुआ करता था? पहले आज की तरफ से पहले कुछ ऐसा नहीं था, और हमारे सारे गाँव के शौक से सभी मेम्बर है, सभी गाँव के सदस्यों ने, स्कूल के बच्चों ने, इनके कारण हमारे सारे गांव में हमने सफाई है और आज हमारा गांव बहुत कुछ सुंदर लग रहा है। सुंदर लगने के अलावा आपके गांव में और क्या क्या खास बात है? हमारे गांव के सभी लोग बहुत ही सूझवान लोग हैं और सभी मिलजुल के साथ में चलते हैं, और हमारा उन्होंने सभी गांव में कोई इकट्ठा होकर फंक्शन करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं।